भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के लिए मैं आपके साथ आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ेंगे। कृषि कानून को लेकर जो उसमें बदलाव हुए उसको लेकर प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन जो है वो यहां से दिल्ली से लेकर बात करें तो बंगाल तक और यहां से लेकर बैंगलोर तक और केरल तक तमाम जगह ये प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन में ट्रैक्टर भी जलाए गए। अब सवाल लोगों ने तमाम सारे पूछे हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर आप किसान हैं और किसान के तौर पर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आज के इस शो में जो भैया जी कहीं ना इसमें आपका बहुत स्वागत है। फोन नंबर जरूर कुछ आज बदला है मैंने। एक फोन नंबर जो हमारा रोज रहता है वो फोन नंबर चेंज है। वो प्लेट जैसे ही तैयार होती है मैं आपको देता हूं। उस फोन नंबर के जरिए आप अपना सवाल अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं और सामने रख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रदर्शन आखिर हिंसक क्यों था? हिंसक इन द सेंस कि ट्रैक्टर्स क्यों जलाया गया है? और ट्रैक्टर अगर जलाया गया तो उसका मकसद क्या था जलाने का? क्योंकि किसान के लिए ट्रैक्टर क्या होता है यह हम सब आप लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री ने किसान कानून में जो तब्दीलियां हैं उनके बारे में कुछ बात कही थी और इस बात को कहा था कि किसान के हित को रखा जाएगा। सवाल यह है कि बहुत सारी जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो सवाल पूछ सकती है और उसको पूछने का हक है। और उसे अगर डर लग रहा है, संदेह लग रहा है तो सरकार को उस संदेह, उस अंदेशे को ठीक करना या उसे उसे समझाना, उसे बताना, उसे बदलाव तक करना वो उनके हक में शामिल है। क्योंकि अंतिम जो बात है वो ये कि किसान के हित में बात हो, ये सरकार भी चाहती है, ये विपक्ष भी चाहता है। लेकिन अब सवाल ये है कि मंशा क्या है और इसी से राजनीति शुरू होती है। इसमें तमाम सारे पहलू जुड़ते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कैनॉट प्लेस में जब मैं शो करता हूं तो किसानों पर तमाम सारे कई बार मैंने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं, इस मुद्दे को लेकर सवाल किए हैं। तब ये बात होती थी कि जो अंतिम तौर पे जो एक छोटा किसान है जो अपने खेत में फसल उगाता है उसकी फसल का वाजिब इनाम, यानी वाजिब इनाम से मतलब है वाजिब फसल का जो उसे उसे मूल्य मिलना चाहिए वो उसे मिले। और इसी को लेकर तमाम विपक्ष के भी सवाल हैं और सत्ता पक्ष कह रहा नहीं, हम यही बात तो कह रहे हैं कि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले। तो बात आखिर बिगड़ कहां रही है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान जुड़ेंगे। हम उनसे तारुफ करा रहे हैं आपका जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। के शर्मा आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया के शर्मा जी। आलोक शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ आएंगे। अच्छा बोलते हैं, तैयारी करके आते हैं। आलोक शर्मा जी भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह ढिल्लो अध्यक्ष पंजाब यूथ कांग्रेस से आज हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिस समय भी वो हमारे साथ आए। और यही है जो ट्रैक्टर्स को लेकर यहां तक आए, मैं उनसे सवाल भी पूछना चाहूंगा। वीएम सिंह साहब अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के हमारे साथ यहां पे प्रतिनिधित्व करेंगे। ममता काले होंगी और अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सारे पैनल का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज जो अगुवाई करी, बात की, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करी और उन्होंने क्या कहा सबसे पहले उसे देखना और उसे समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो क्या कहना चाहते। पहले अमरिंदर सिंह की बात और फिर हम बातचीत के सिलसिले को आगे, और जब तक फोन नंबर आपके पास होंगे आप अपनी बात भी कह सकते हैं। जी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात। ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई, हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है, कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको? ही बिकम्स अ टारगेट फॉर ISI। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की। अब किसी कॉलर ने मुझे एक SMS डाला है, मैं उसको पढ़ देता हूं कि प्रतीक जी आप मुद्दे को भटकाएंगे। जो मेरे बारे में कहा जाएगा उस बात को भी तो कहना बहुत जरूरी है कि आप मुद्दे को भटकाएंगे और भटकाएंगे इस तरफ ले जाएंगे कि ISI वाली बात को तो रखेंगे लेकिन किसान के हित वाली बात को आप छोड़ देंगे। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगा और जो सवाल और जो बात कहीं कंपेयर की गई उसको भी रखूंगा और किसान की हित की तो बात मैंने ईमानदारी से कहा कि मैं बिल्कुल रखना चाहता हूं। यह बात सच है कि खेती किसानी मेरे घर पे नहीं हुई लेकिन मैं जितना अच्छी तरह से समझ सकता हूं उन्हें,
या जितना अच्छी तरह से गाँव में घूमता हूँ और अभी इस हफ्ते के आखिर तक वहीं पे होऊंगा किसानों के बीच में, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। छोटे से शहर से, कस्बे से आता हूँ, इसलिए इस दर्द को, इस बात को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं घुमाऊंगा, लेकिन ये बात जरूर लोगों ने कही और ये बात मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी के पास रखना चाहता हूँ और इस तरह मैं कोशिश करूँगा फोन लाइन बहुत जल्दी से खुलें सो दैट कि लोग जुड़ सकें। मैं वो ये जानना चाहता हूँ आलोक जी आपसे कि किसान के लिए हल, किसान के लिए ट्रैक्टर क्या होता है ये हम सब जानते हैं, और इसको जलाने से क्या मकसद हासिल हो रहा था ये लोग जानना चाहते हैं, और किसान का अगर ट्रैक्टर जला दिया गया तो उससे उसको क्या लाभ हुआ ये देश जानना चाहता है, ये लोग जानना चाहते हैं और किसान भी जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं। आलोक जी, मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से किसी भी चीज को जलाया जाना बिल्कुल गलत है। आज ट्रैक्टर को किसने जलाया, किसने नहीं जलाया, इसकी जांच चल रही है। अभी तक आपने कहा कि 5 यूथ कांग्रेस के, आप ही की रिपोर्ट में सुन रहा था कि यूथ कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। यूथ कांग्रेस के ना वहाँ लोग थे, ना झंडा था कोई, ना नारा था, पीले रंग का पटका है और भगत सिंह जी की फोटो है, और वो कौन लोग थे जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन ट्रैक्टर को जलाया जाना या किसी भी चीज को जलाया जाना, मैं समझता हूँ वो किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, और मैं उसकी किसी भी तरह से बचाव नहीं करना चाहूंगा। लेकिन विषय आज का ये है कि जब इतने दिन से कैबिनेट में अप्रूवल आती है, तमाम चीज़ें डिस्कशन होती हैं, कैबिनेट के बाहर भी उसका विरोध होता है, अकाली दल सरकार से बाहर चली जाती है एनडीए से, और तमाम विषयों पर कांग्रेस पार्टी भी हर तरह से विरोध करती है, मैं समझता हूं उसके बाद भी आज तक किसानों से किसी ने भी बात क्यों नहीं की। 250 किसान संगठन प्रतीक जी आज सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने पूरा अपना विरोध दर्ज किया है। 62 करोड़ किसान हैं इस देश के अंदर, और कोरोना के समय में भी किसानों ने ही देश की लाज को रखा है। आज ये कहते हैं बड़े बड़े मोदी साहब झूठ बोलकर जिस तरह से किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि हम जो वायदा किया था कि हम 1.5 गुना मूल्य देंगे, शायद आलोक जी भूल गए। आलोक जी भाई, मैं एक बात आज कहना चाहता हूँ। आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं टोकूंगा आपको, बिल्कुल नहीं टोकूंगा, आप बोलना चाहें बिल्कुल बोले, और अभी तो बाकी मेहमान आए नहीं है तो बहुत समय है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं 1, 2, 3, 1, 2, 3, और मैं चाहूंगा कि के शर्मा जी बगैर लाग लपेट के 1, 2, 3 का जवाब दें। आप बताइए कि किसान का अहित कैसे है, आलोक जी ये बताइए किसान की रोटी कैसे छीनी गई, इस सवाल का जवाब आप इनसे पूछिए, और ये 1, 2, 3 करके जवाब सवाल पूछिए और 1, 2, 3 करके सवालों का जवाब देंगे बगैर कुछ लाग लपेट के, क्योंकि किसान जो देख रहा है, मेरा जो प्रोग्राम देख रहा है, वो ये जानना चाहता है कि भाई कैसे नुकसान हो रहा है, वो जानना चाहता है कैसे लाभ हो रहा है, ये मुझे बता दीजिए बस। आरोप माफी के साथ आप फिर से सपोर्ट प्राइस, पहला सवाल मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी तीनों बिलों में कौन से भाग में दी गई है कि अगर प्राइवेट ठेकेदार जाकर किसानों से सस्ते में माल खरीदेगा तो किसान अपने हित की रक्षा कैसे करेगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जिक्र कौन से भाग में है तीनों बिलों के, जरा बता के जाइएगा। पहला। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको हम नव ठेकावाद प्रथा कह रहे हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रास्ता खोल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी? दूसरा सवाल। तीसरा, अगर FCI नहीं खरीदेगी, APMC से माल नहीं उठाएगी और APMC को आप कमजोर कर देंगे, मैं खत्म नहीं कह रहा हूं, कमजोर कह रहा हूं, अगर किसान को आप ऐसे चुंगुल में फंसा देंगे जमींदारों के और शोषणकर्ताओं के, तो उसका किस तरह से, उस शोषण को कैसे रोका जा सकता है? APMC से जो जवाब दीजिए, के जी इन तीनों को, के जी अंतिम, मैं ये कहूंगा प्रोड्यूसर साहब से कि फोन नंबर खोले, बाकी बातें बाद में, पहले फोन नंबर आना चाहिए। जी जी, के शर्मा जी, मैं प्रतिक्रिया, मुझे आप उस आतंक ISI वाला जो बयान है उस पर भी देने, देखिए या तो वहीं पे घुमा लीजिए डिबेट को आप। नहीं, मैं घुमाऊंगा नहीं। आलोक जी क्यों, जो सवाल है उनके सवालों का जवाब अभी प्रतीक भाई आप, अरे भाई क्यों बौखला रहे हैं, मुझे पता है आप ISI और पाकिस्तान आपके मित्र हैं। देखिए ISI और पाकिस्तान में जाकर माथा टेकते हैं अडवाणी जी, हम नहीं जाते हैं पाकिस्तान में, मोदी जी जाकर बिरयानी खाते हैं, हम नहीं खाते पाकिस्तान में, मोदी जी जाकर खाते हैं, हम नहीं खाते।
हमें पाकिस्तान की बात भाषा मत सिखाइए। बिहार का चुनाव आ रहा है, अब आपको पाकिस्तान याद आने लगेगा। अरे तो हमने बोला था अमरिंदर सिंह को बयान देने की बात है, उस पर बात कीजिए। अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हमने बोला है बयान देने के लिए? आपके सब लोग पाकिस्तान जाते हैं, कोई बस में बैठ के जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, कोई पैदल जाता है। आडवाणी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक सब पाकिस्तान के मुरीद हैं। सब पाकिस्तान जाके बिरयानी और रोटी खा जाते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान करते हुए मुद्दे की बात पर जवाब है तो दीजिए, नहीं तो चुपचाप बैठिए। कांग्रेस की अगुवाई है, ये कांग्रेस पार्टी है जो किसानों को जो है आतंकवाद से जोड़ रही है। धर्म नहीं आ रही आप लोग को? अरे भाई, किस किस ने आतंकवाद से किस किस रूप में क्या क्या किया है, उस पर आज का विषय नहीं। आज केवल हमें ये बता दीजिए, किसानों का जो तीन बिल आए हैं उसमें एमएसपी जब कहां पर है, उनकी उनकी रक्षा कहां पर होगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसका कोई उत्तर नहीं है आप लोगों के पास। पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाएंगे, यहां पर बैठकर किसानों की बात करेंगे। मुझे बोलने के लिए मुझे बोलने दीजिए। लैंड रिफॉर्म्स बिल में जब 14,000 वायलेशन हो गए लैंड एक्विजिशन बिल के, तब आप लोगों को नींद आई जागी थी, तब आपने उसको चेंज किया। नोटबंदी में 15 दिन में 153 बार चेंज किया आप लोगों ने। आदमी के साथ डिबेट प्रतीक किया आपके चैनल में। जी जी, या तो इसका साउंड कम कराइए। आप किसान जो सवाल है किसान वो जानना चाहता हूं। मैं के जी आप मत आ कीजिए डिबेट में। आप तो किसानों की बात, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, प्रधानमंत्री ने जो बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर कही है वो बात कही है, वो एश्योरेंस दीजिए, बात आगे बढ़े। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है उसके बारे में बात करिए, और उन्होंने इस बारे में भी कहा, आप उसको उनको उदाहरण देके बताइए कि भैंस तो आप ही की रहेगी, गाय तो आप ही की रहेगी, तो अब आप उसको उसको उनको उत्तर दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी मेरी बात सुनिए, मैं गारंटी कहां जरा बता दीजिए, हम कुछ नहीं पूछेंगे आप। फिर इसको बंद कराइए, फिर इनको बंद कराइए, आप ऐसे कैसे बोलने देंगे आप? ये लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रतीक भाई झूठ बोलते हैं। प्रतीक जी आप सुप्रीम इनको बंद कराएंगे या नहीं कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट में प्रतीक भाई उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 700 पेज का एफिडेविट दिया प्रतीक भाई, और उसमें लिखा लागत का 50%। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, दोनों लोग बहुत पुराने शो में आने वाले हैं सर। आलोक शर्मा जी बहुत पुराने हैं, आप बहुत भैया जी कहीं में पता नहीं कब से आ रहे, बहुत पुराने रहे। और के के शर्मा जी मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सवालों के सीधे जवाब देंगे, हम सीधे सवालों के जवाब पे आएंगे, उनकी कुछ आशंकाएं हैं जी, आप दीजिए 01206205711206205711। आपके सवाल का रहेगा इंतजार जी। हाँ, सबका माइक डाउन करा दो, पूरे देश का माइक डाउन करा दो, कांग्रेस का भी माइक डाउन कर दो, मीडिया को पूरा खरीद लो, सबका माइक डाउन कर दो, किसानों का भी माइक डाउन कर दो, ये सब मिलके आपका माइक डाउन कर देंगे। मुझे बोलने नहीं देंगे आपके इस चैनल पे, और मैं ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा प्रतीक जी आपके साथ, क्योंकि ये बहुत जो है सीरियस डिबेट। किसान का भी माइक डाउन कर दो जो आज सड़कों पर निकला हुआ है। आलोक जी जो आपका साथ छोड़ गया, आलोक जी हम सुनेंगे जी। के शर्मा जी बताइए, बात कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। अब मैं बोलूं मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं एमएसपी वाला। देश के प्रधानमंत्री, किसान कृषक मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, सबने इंश्योरेंस दिया है, सदन के अंदर हमने इंश्योरेंस दिया है, एमएसपी खत्म नहीं। सदन में क्यों दे रहे हो, लिख के क्यों नहीं दे देते भाई? नहीं, लिख के देने में कहां की है, किसी बिल में एमएसपी कोई रूल लाए हैं आप? आलोक जी सुन लीजिए, आलोक जी सुन लीजिए, नहीं बोलने देंगे अभी इनको, शर्मा जी भाई, आलोक जी सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूं, भैया जवाब नहीं खर्च कब तक चलेगा आप लोगों का, लिख के क्यों नहीं देते बिल में? आलोक जी प्लीज, मेरी बात सुनिए। एमएसपी को लेके पहला तो प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पूरे सदन में सबने ये इंश्योरेंस पूरे देश को दिया है,
कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। नंबर वन, हम ही वो पार्टी है जिन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पे किसान के फसल के जितना खर्च है उसका 50% जोड़कर देने की बात घोषणा की और हमने उसको लागू भी किया और पिछले 5 साल में हम दे भी रहे, नंबर वन। तो इसलिए इस भ्रम को जो कांग्रेस फैला रही है, जो गुमराह कर रही है, उससे तो पहले जनता को, देश को इसको सुनना चाहिए और समझ लेना चाहिए, नंबर वन। दूसरा, इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये जो कैसे हितों की रक्षा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पूरे रूल्स की विवेचना बकायदा की और उसमें मैं प्रमुखता से एक दो बातें बता दे रहा हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसके अंतर्गत किसान पर के हितों को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तमाम चीजें उसके अंदर उल्लेखित हैं। पहला तो किसान जो है उसके साथ जो भी रेट पहले जो भी तय होगा, यदि फसल आने के बाद उस फसल की कीमत ज्यादा भी हो जाती है तो भी उसको ज्यादा कीमत का बोनस मिलेगा, नंबर वन। दूसरा, यदि फसल के समय कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और बीच में किसी भी तरह का ओला पाला कुछ भी पड़ के यदि फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका भुगतान, उसका जो है दबाव किसान पर नहीं होगा, व्यापारी को वो भुगतान करना ही होगा। तीसरा, ठीक है, ठीक है जी, एक कॉलर है हमारे साथ वडोदरा से जडेजा जी एक सवाल पूछना चाहते जी। ठीक है जी, राइट सर, आगे अजीत सर बात करना चाह रहे, आप बोल रहा हूँ प्रतीक जी। हाँ जी, मैं बात करना चाह रहा हूँ। आज किसान को जो रेट दिया गया है, जो पैसा किसान को दिया गया है, मेरी 50 साल की एज मैंने कभी नहीं देखा। और ये जो आलोक जी बात करते, मैंने इनका देखा, आपका ये चैनल देखता हूँ मैं। आलोक जी जब भी बात करते हैं, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, जनता को भड़काने की बात करते हैं। अगर देश में कुछ अच्छा किसी ने किया है तो उसकी तारीफ क्यों नहीं करते? हर जगह विरोध क्यों करते हैं? अच्छी बात का बुरी बात का विरोध करना होता है, मैंने ये कहीं नहीं देखा कि अच्छी बात का विरोध करें। सवाल पूछवा रहे हैं क्या कांग्रेस के लिए एक और बीजेपी का प्रवक्ता खड़ा कर रहे हैं प्रतीक भाई? आलोक जी, मैं बहुत आलोक जी प्लीज, थैंक यू सो मच। नो, के शर्मा जी आप नहीं बोलेंगे, आलोक जी, अगर प्रवक्ता में धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, तो वो प्रवक्ता की पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। क्या बात करते हैं आप? अगर एक सवाल किसी के आगे, क्या वडोदरा में बैठे हुए किसी व्यक्ति को मैं सवाल नहीं पूछ सकता क्या? पहली चीज है सब्र नहीं जाना चाहिए। सवाल आता हूँ मैं आपके पास, मैं आता हूँ आपके पास जी। बीएम सिंह साहब, मैं आ रहा हूँ सर आ रहा हूँ आपका, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, मैं आ रहा हूँ आलोक जी। अगर इफ यू वॉन्ट, अगर ये दो लोगों का सर, ये दो लोगों की डिबेट नहीं है। वीएम सिंह साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास आलोक जी, ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा वीएम सिंह साहब, यही तो बात है ना, फिर आप वीएम सिंह साहब, मैं ये सवाल है कि सर मैं आ रहा हूँ, वीएम सिंह साहब को बोलने का अख्तियार है सर कि नहीं है? उनको भी तो बोलने दीजिए, वो भी बोलना चाहते हैं अपनी बात। नहीं सर, वो अपनी बात तो कह सकते हैं ना वीएम सिंह साहब, कि आप वो उनको भी नहीं बोलने देंगे? नहीं रोका, दो लोग वीएम सिंह साहब लगाए तो उत्तर पैनल पे है, नहीं लेना चाहिए कांग्रेस से। अब अच्छा आलोक जी, एक काम करते हैं कि आज से मैं अपना ये पद छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ, आप मेरी कुर्सी पे बैठिए एंड नाउ यू डिसाइड कि किसको कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए इस तरह का। लेकिन अगर कांग्रेस से सवाल तो साहब नहीं, तो फिर बैठिए ना अपनी जगह पर, ध्यान से बैठिए ना सर। वीरेंद्र सिंह ढिल्लो साहब आ गए हमारे साथ, ढिल्लो साहब अध्यक्ष है पंजाब यूथ कांग्रेस के, वीरेंद्र सिंह ढिल्लो साहब है अध्यक्ष पंजाब यूथ कांग्रेस के। वीरेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, वीरेंद्र सिंह जी आवाज सुन रहे हैं हमारी? वीरेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जी आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसान की रोटी छीन ली गई, वो आतंकी बन जाएगा या आतंकी बन सकता है उसके सामने वो ISI वाली बात उन्होंने कही। मैं ये जानना चाहता हूं कि ट्रैक्टर चलाने से क्या वो साधु बन रहा है? ये मुझे सवाल का जवाब चाहिए वीरेंद्र सिंह ढिल्लो साहब। मैं आलोक जी इसके बाद आपके पास आता हूं। ट्रैक्टर इश्यू नहीं है, इश्यू फार्म ऑर्डिनेंस है, ट्रैक्टर प्रोटेस्ट करने का तरीका है, कोई उससे सहमत हो सकता है, कोई इससे नहीं सहमत हो सकता, लेकिन हम जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो हमारा तरीका है। और हम एक अपनी आवाज़ जो है, ये आजकल कंगना रनौत और ये
इस शोर में और ये बेफालतू के मुद्दों के बीच हमारे किसानों की जो आवाज है हम वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हम कोई किसी हमारे पंजाब में 25 तारीख को बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पंजाब, कोई सार नहीं ले रहा। अपोजिशन पार्टीज पॉलिटिकल जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो सरकार के एनडीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, वो सब उनको छोड़ के एक तरफ हुआ पड़ा है सारा सिस्टम। लेकिन आज अगर पंजाब की कोई आवाज भी सुनने को तैयार नहीं है, हम भूल जाएं हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है, किसानों से बात करें, आप किसान जथेबंदियों से बात कर लें और एक मैसेज तो कम से कम जाए भी जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो किसानों की बात सुनने को तैयार है। एक फार्म ऑर्डिनेंस बिल आता है जिसके ऊपर हम नहीं सहमत। तो वीरेंद्र जी, आपने अपनी बात सुनाने के लिए, अपनी बात सुनी जाए, वीरेंद्र जी आपने कहा कि अपनी बात सुनी जाए इसलिए ट्रैक्टर जलाने का आपने कहा एक तरीका है, बात सुनाने का एक तरीका, इसलिए ट्रैक्टर आपने जलाया। जी जी जी, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। जो ट्रैक्टर है वो फार्मिंग मतलब एक सिंबल है फार्म्स का। जिस तरीके से हमारे को महसूस हो रहा है कि किसानी फूकी जा रही है, किसानी को आग लगाई जा रही है, एक सिंबॉलिक तरीके से हमें जहां जय जवान जय किसान का नारा था उसके सामने आज मोदी सरकार को ये जगाने का। अरे तो साहब एक ट्रैक्टर किसी किसान को ही दे देते। अरे साहब वीरेंद्र सिंह जी, अगर ये ट्रैक्टर आपने जला दिया किसी किसान को ही दे देते, उसी के काम आ जाता। किसी पंचायत को दे देते, पंचायत से जुड़ जाता वो ट्रैक्टर, तो कम से कम दो ऐसे हाशिए पे जो किसान वाले थे उन्हीं के काम आ जाता। जलाने से क्या लाभ हुआ ये नहीं मुझे समझ में आया। सर तो उससे क्या फार्म ऑर्डिनेंस वापस हो जाता या लोगों की आमदन बढ़ जाती या उससे किसानों का बेहतरी हो जाती? हमारे को महसूस होता है भी आज इस शोर शराबे में किसानों के मुद्दा जहाँ जो की सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कोई ध्यान नहीं दे रहा, और अपनी आवाज सुनाने के लिए हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया और वो हमने अपने पैसे इकट्ठे करके एक ट्रैक्टर खरीद के पहले हमने अंबाला बॉर्डर के ऊपर इसको लेके आने की कोशिश की। उस टाइम वो ये नहीं माने, वहां पर इसको आग लगी, उसके बाद इसको दोबारा ठीक करवाया और इसको लाके आज जब काल 22 को हमारे को अरेस्ट किया। कितना पैसा खर्च हो गया इसको लाने में, वहां से यहाँ तक लाने में कितना पैसा खर्च हो गया? सर 40,000 टोटल। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सिंह ढिल्लो साहब, थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ, बातचीत के सिलसिले से हम जुड़ेंगे आपसे। आप ईमानदार हैं, कम से कम ईमानदारी के साथ बात तो कही। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा जो भी हमारे साथ बैठे हैं, जो उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया था, मैं उससे पहले आऊं आपके पास के शर्मा, लेकिन मैं वीएम सिंह साहब के पास जाना चाहता हूं। वीएम सिंह साहब, सरकार कहती है कि किसान के हित की बात कही गई है, किसान के हितों के लिए रक्षा के लिए बात कही गई है और किसान के को पहली बार उसको खेत से और उसकी जो लाभ है उससे उसको जोड़ा गया है, यानी वहां तक वो व्यापारी पहुंच सकता है। इंटरनेशनल मार्केट को खोलने की बात है कि इंटरनेशनल मार्केट तक वो जो है व्यापारी जो है वो किसान तक जा सकता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने की बात है, तो इस पर विरोध क्यों है? वीएम सिंह साहब मैं जानना चाहता हूं। पहली चीज, मुझे थोड़ा सा विरोध प्रतीक भाई आपके ऊपर भी आज है। मैं 20 मिनट से सुन रहा हूं सबको और कॉल अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, आपने 250 किसानों की कई कॉल हमारी थी, मैं उसका संयोजक हूं, आपने बुलाया, पर यहां किसान फिर फुटबॉल बन गया कांग्रेस और भाजपा के बीच में, मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के किसानों की बात। मैं आपके लिए आता हूं प्रतीक भाई, करना चाहता हूं, जवाब दे सकता हूं इसका, मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन आप हमारे मेहमान हैं, आप जो कहेंगे मेरे सर माथे पर, जो आप कहेंगे मेरे सर माथे पर। जी बोलिए, आगाज करें, बात कहें अपनी। I'm sorry for all that, but I'm feeling upset. ठीक है, number one, पहली चीज तो बात हो जा रही है अभी कि साहब कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस किसी काम की होती तो बीजेपी आज सरकार में नहीं होती, किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया होता, अगर स्वामीनाथन पहले लागू कर दी होती तो आज काम ही नहीं बनता। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वामीनाथन C2+50% लागू करूंगा, हम कैसे प्रधानमंत्री पे विश्वास कर लें आप बताइए मुझे। उन्होंने अगले साल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि लागू नहीं कर सकते, अरुण जेटली ने कहा हम लागू कर रहे हैं, पर क्या किया A2+FL, आपने C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट नहीं करी। अभी बीजेपी के कह रहे थे हमने कर दिया, वो गलत कह रहे हैं, अगर आपने किया होता तो आप लोग हम सामने डिबेट कर लो ना यार, 6 मंत्री आ रहे हैं, किसान नेताओं से डिबेट कर लो, कांग्रेस बीजेपी मत करो। आपने कहा कि हमने जो प्रधानमंत्री ने कह दिया तो उसका विश्वास करें, कैसे विश्वास करें, मैंने एक चीज बताई। दूसरी, उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का रेट मिलेगा वरना ब्याज मिलेगा, नहीं मिला।
उन्होंने कहा था कर्जा मुक्त कर दिया जाएगा किसानों को, नहीं हुआ। उन्होंने कहा जीरो बजट के हिसाब से आपकी दुगनी हो जाएगी, नहीं हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप लेके आए, आपने कहा मालामाल हो जाएगा। आज उसी योजना को मध्य प्रदेश ने भी रद्द कर दिया, अपनी योजना ले आए क्योंकि पूरा फेल हो गया। हम कैसे विश्वास कर लें भाई प्रधानमंत्री पर? आपने अगर कॉर्पोरेट को लाने का काम किया है, आपने हमको कमजोर करने का काम किया है। एपीएमसी की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, वो किसानों का मुद्दा नहीं है, वो अपने आप लड़ेंगे, कांग्रेस लड़े, भाजपा लड़े, जो भी लड़े। हमारा मुद्दा यह है कि आपने वायदा किया था सी टू दीजिए, आपने कहा था एमएसपी से कम उसकी गारंटी देंगे कि उसके कम जो कोई खरीदेगा नहीं, गारंटी दीजिए, बस यही हमारे हैं। आप हमें गारंटी क्यों नहीं देते हो? हमारे 2018 में हमने बिल डाले थे, प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में डाले थे। राइट साहब, मैंने आपकी बात सुनी। राइट साहब, मैं माफी भी मांगता हूं, आपको लगा अगर कहीं जरा सा भी तनक सा भी लगा कि मैंने आपको कहीं इग्नोर करने की कोशिश की है। प्रेम सिंह साहब, आप हमारे साथ शो में लगातार नो, फुटबॉल तो सर नहीं सर, फुटबॉल तो बना ही नहीं सकते सर। मैं बिल्कुल आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपको ये जरा सा लगा। लेकिन सिरसा से एक कॉलर है सिकंदर, बहुत जल्दी से उनका सवाल लेंगे। वीएम सिंह साहब सुनते हैं उनका क्या कहना है। जी सिकंदर साहब, सिरसा से, हरियाणा से। जी प्रत्येक जी नमस्कार। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। प्रत्येक जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं। एक बार पहले तो आप जो गांव गांव में जाकर रिपोर्टिंग करते हो उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, हुजूर सवाल पूछें और टेलीविजन की ऑडियो कम करें सर। ओ सिकंदर साहब, देखिए आवाज आपकी कट गई और मैं सारे कॉलर्स से ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी जो राम राम होती है, हमारी आपकी जो बातचीत होती है, जो आप हमसे नमस्कार करते हैं, वो सब तकल्लुफ छोड़िए, सीधे सवाल पे आइए, मुद्दे पे आइए, बात कहिए। हम तो आपसे मुखातिब ही हैं, हम चाहते हैं कि वक्त बहुत कीमती है। आज अभी सिर्फ इतना, छोटा सा ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं हाजिर हूं और हमारे पैनल में दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं बोला। अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, और ममता काले, जो दो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मैं कहूंगा कॉलर से कि वो फोन अपनी बात रखें। सिरसा हरियाणा से एक कॉलर थे जिनकी बात कट गई थी। अवनीश अवस्थी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, माफी चाहता हूं कि मैं पहले चंक में आपके पास नहीं आ पाया था, माफी के साथ मैं आपके पास आता हूं, ममता काले आपके पास भी। अवनीश जी सवाल है जी, मैं जानता हूं कि बात आपकी बिल्कुल जायज है, बहुत सब्र के साथ, बड़े धैर्य के साथ आप पूरी डिबेट देख रहे थे। सवाल यह था कि जी, मैं कॉलर, अनिल जी आप वेट करिए, मैं कॉलर का कॉल आपकी बाद में लूंगा, पहले अवनीश जी से। अवनीश जी पहले ये बात दरअसल ये थी कि जो कैप्टन ने कहा, अमरिंदर ने कहा, जिससे मैंने बात आगाज किया था और जिससे कि के शर्मा ने भी बात कही, तो अब आलोक जी ने कहा कि सबसे पहले मुद्दे पे आइए, तो मुद्दा तो किसान है, लेकिन बात किसान की थी तो आईसीआई तक कैसे चली गई और उन्होंने कहा कि अब वो तय करेगा, वो आईसीआई तय करेगी कि उसके हाथ में क्या बम होना चाहिए। लोगों को नागवार गुजरा, लोगों ने कहा कि ये चीज ठीक नहीं है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान की बात हो और बात चली जाए पाकिस्तान पे। तो ये अक्सर तो ये इधर की बात पे कही जाती थी कि आप लोग इधर बात कह देते, लेकिन इस बार अपोजिशन ये बात कह रहा, तो ये बात लोगों को नागवार गुजरी। अवनीश अवस्थी जी। प्रतीक जी मैं धैर्य रखता हूं और दूसरों से भी धैर्य की अपेक्षा करता हूं। पाकिस्तान की बात अमरिंदर सिंह ने जो कही वो पहली बार नहीं कही है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने की मदद मांग रहे थे। सलमान खुर्शीद वहां जाकर के कहते हैं कि नवाज शरीफ से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कुछ सीखना चाहिए, हिंदुस्तान को सीखना चाहिए, ये तो लगातार करते हैं। और यही बात भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं, इमरान खान जब भी बात करते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाए तो हमारी हमारे सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे लिए। ये पाकिस्तान की भाषा है, पाकिस्तान की भाषा और कांग्रेस की भाषा में कोई फर्क नहीं है, किसी भी तरीके का फर्क नहीं है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, लगातार यही है ना, कांग्रेस की थी ना, जिसने सरबजीत के लिए उसकी बहन पूरे देश भर में और विश्व भर में घूमी कि मेरा भाई सरबजीत वापस आ जाए। सरबजीत वापस नहीं ला पाई,
और जहां तक किसानों के मुद्दे की बात है, उसमें जिस तरीके की राजनीति आ गई है, उसमें वास्तव में कांग्रेस की खींच सबसे बड़ी ये है कि जब किसानों को व्यवहारिक रूप में अपना फायदा मिलेगा, उनको अपनी फसल की कीमत मिलेगी, उनकी जमीन पर फसल उगाने से पहले उनको पैसा मिल जाएगा, फसल खराब होती है तो जिसने उगाई उसका नुकसान, तो इससे समूचा किसान, देश भर का किसान कहेगा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इसलिए ये वास्तव में, और जिसने मंडी में जाके बेचना है, जिसने एपीएमसी में बेचना है, वो तो खुला ही है, एमएसपी है, अगर उसने अगर एफसीआई को बेचना है तो वहां बेचे, वहां जितने कमीशन देने पड़ते थे किसान को, मालूम है कि वो जब 120 क्विंटल अपना अनाज लेके जाता था तो 90 क्विंटल का पैसा मिलता था, इतना इसका कट गया, इसका इतना कट गया, इसका इतना कट गया, इसका इतना कट गया, इसका इतना कट गया, हाथ में कुछ नहीं आता था उसके। इससे पूरे से मुक्ति मिल जानी है इस बिल से, वो चाहे तो एपीएमसी में बेचे, वो पुरानी कोई व्यवस्था तो खत्म हुई नहीं, अगर जिसको जिस किसान को पुरानी व्यवस्था में रहना है वो पुरानी व्यवस्था में रहे, उसके हिसाब से बेचे, अगर उसको उससे बेहतर कीमत मिल रही है कहीं बाहर तो बेहतर कीमत में बेचे, इससे बेहतर और किसान के लिए क्या हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मुझे बताइए, सबसे पहले चीज आई है अनिल जी बोलिए। बनारस से अनिल जी बोलिए। अनिल जी सर, प्रतीक जी भाई नमस्कार। हेलो जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल पूछिए जी। जी सवाल सर मेरा ये है कि मैं, हम लोग इतने टाइम अपना कीमती निकाल के हम आपका डिबेट देखते हैं, एक क्या प्रवक्ता लोग क्या दूसरे की बात सुनने की क्षमता खत्म हो गई है क्या इन लोगों की? बहुत बहुत छोटा सा आपने सवाल पूछा, लेकिन पूछा बड़ा गंभीर सवाल है, और साधुवाद आपको। आलोक जी, आलोक जी मुद्दे पे आइए जी। कुछ अभिजीत जी ने बातें कही, आप उसको आगे बढ़ाइए। आलोक जी का मैंने सब पॉइंट लिखे हैं प्रतीक भाई, मैं सबका उत्तर देता हूं, शायद आप किसी को सुनने की। वेरी गुड आलोक जी, मैं अक्सर आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए, धन्यवाद। अगर किसी ने किसी की क्षमता सुनने की खत्म हो गई है तो इस गूंगी और बहरी सरकार की हो गई है। दूसरा विषय, आपने कहा सब पार्लियामेंट में एश्योरेंस दे दिया है, आप एश्योरेंस पार्लियामेंट में क्यों दे रहे हैं? आप राइटिंग में क्यों नहीं लेकर आए बिल में? क्योंकि आपकी नीयत में खोट था। आपने कहा कि हम कॉस्ट जमा 50% स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार देंगे, अभी सिंह साहब ने भी पोल खोली, 700 पेज का एफिडेविट दिया था 2015 में इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, 700 पेज का एफिडेविट, और उसमें बताया था कि कैसे हम लागत का 50% मूल्य नहीं दे सकते। अभी के शर्मा साहब ने कहा बोनस मिलेगा, भाई बोनस कौन देगा? कहीं पर आपने प्रावधान किया है प्राइवेट कंपनियां बोनस देंगी किसानों को? आपने इस चीज़ का कहीं प्रावधान किया है? केवल मुझे ये बता दीजिए कि आपने एमएसपी प्राइवेट कंपनीज माल खरीदेंगी उसका प्रावधान क्यों नहीं किया? आप केवल शांता कुमार कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि एफसीआई का पैसा कैसे बच जाए 80,000 करोड़ से 1,00,000 करोड़, उसका प्रावधान किया कि एफसीआई पर कोई बर्डन नहीं रहेगा, और एफसीआई के जितने गोडाउन हैं, मैं गोडाउन का नाम लेता हूँ, बेस सेंटर है मोगा के अंदर पंजाब में, वो एफसीआई से ऑलरेडी अडानी की तरफ शिफ्ट होने का प्रोसेस शुरू हो गया है। यही तो कानून 2006 में बिहार में लाए थे, बिहार का आज क्या हुआ? सीएम जब मोदी साहब थे तो उन्होंने कहा कि एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन पीएम बन गए तो उसमें नहीं रखा। जॉइंट वर्किंग कमेटी थी, ग्रुप था, 3B उसका कॉलम था। मोदी साहब जब सीएम थे तब तो कांग्रेस से सब कुछ चाहिए था, लेकिन आज जब पीएम है तो कुछ नहीं चाहिए। एक मैं बीएम सिंह साहब का एक सेंटेंस में जवाब देना चाहूंगा कि कांग्रेस ने क्या किया है। PL 480 था, पब्लिक लॉ 480, लाल गेहूं खाता था हिंदुस्तान, लैंड रिफॉर्म से लेकर, बांध से लेकर, नहर से लेकर, जमींदारी प्रथा खत्म से लेकर, पूसा से लेकर, IARI से लेकर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से लेकर, हरित क्रांति से लेकर, DADP से लेकर, सारी चीजें कांग्रेस ने की हैं। हमसे भी कमियां रही होंगी, लेकिन आज जरा एक बार बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि 6 साल में किसानों का सुसाइड रेट 41% क्यों बढ़ गया?
जरा इसका कोई जवाब देगा? इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का प्राइस 300% बढ़ गया। ममता काले माफी के साथ मैं आपके पास आता हूं। ममता काले ममता काले हो गया जिसकी सबसे ज्यादा मार किसान पर पड़ी। राइट सर, किसान विरोधी हैं आप, झूठे हैं, इसीलिए आज किसान आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। राइट ममता काले, मैं आ रहा हूँ, केके जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आपके पास एक सवाल भी है, मैं पूछना, केके जी आपसे भी सवाल पूछा। जी ममता काले धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए ऐसा है, ये वो देश है जहां पर जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ नारा नहीं है आम जनता के लिए, वो हमारे जीवन का एक सरोकार है। उस बात पर हिंदुस्तान की जो आम जनता है वो विश्वास करती है कि किसान और जवान इस देश का वही है जो इस देश को दशा और दिशा देता है, हमारे हमारी सुरक्षा एक करते हैं और दूसरा हमें भोजन देते हैं। मुझे बड़ा ही दुख हुआ जो पाकिस्तान वाला जो स्टेटमेंट, आतंकवाद वाला जो स्टेटमेंट आया है, उससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों ऐसा होता है जब हिंदुस्तान के जवानों की और हिंदुस्तान के किसान की बात की जाती है तो हम तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम अपने अंदरूनी मामलों में इस तरीके से आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर के आ जाते हैं? क्या इन सब चीजों की आवश्यकता है? क्या इन सब चीजों की आवश्यकता है? देखिए जहां तक इस बिल का सवाल है, जहां तक इस बिल का सवाल है, आप बताइए हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत में हिंदुस्तान में क्या परंपरा थी? प्रतीक जी जो गांववादी होते थे, साहूकार जो होते थे ना, वो जो होते थे, एपीएमसी का एक फॉर्म, छोटा फॉर्म था, एपीएमसी कहां से आया, कैसे बना ये एपीएमसी एक्ट? ये साहूकार आदि जो थे वहीं से इसको डिराइव किया गया है। बाय द वे ये साहूकार पहले हमारे किसानों का अन्न आदि खरीद के, फसल खरीद के, उपज खरीद के, फिर उसको उनसे आने पौने दाम पर खरीद के आगे बेचते थे। एपीएमसी तमाम टीवी चैनल्स में आप ममता जी केवल ये बता दीजिए फिर 6 साल तक का मोदी जी पकौड़े कर रहे थे क्या? 6 साल पहले क्यों नहीं इसको पकड़ लेकर आ गए आप? इनको 6 साल तक किस बात का, 6.5 साल बाद तक, नहीं 6.5 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे मोदी जी? अगर ये इतना ही अच्छा बिल था, आप मुझे केवल ये बता दीजिए ममता जी, आप ये बता दीजिए अगर ये इतना अच्छा बिल था तो मोदी जी 6.5 साल से इंतजार क्यों कर रहे थे? किसका इंतजार कर रहे थे? क्या अडानी ग्रो करेगा फिर? अडानी तो दूंगा, केवल 1 रुपया मिलता है। अगर आज उन बिचौलियों को, ये सब बेकार की कहानियां, ये सब छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, एमएसपी का प्रावधान कहां, उसका उत्तर कोई नहीं देगा। एमएसपी घोषित बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ जाते हैं, 4-4 लोग सारे के सारे अपने रूल से, ये आरएसएस के दोनों लोग बैठे, ममता काले और ये अवस्थी जी, क्या ये रोज आरएसएस के बन के नहीं बैठते हैं? इनसे कहां से आप राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका निभा रहे हैं प्रतीक भाई? बड़ा हेलो जी, आपको तो, हेलो जी आपको तो दर्शकों पर भी, आपको तो दर्शकों पर भी गुस्सा आता है आलोक जी, आपको तो दर्शकों पर भी गुस्सा आता है, टिप्पणी करेगा पैनल पैनल पर तो गुस्सा आता ही है, दर्शकों पे भी गुस्सा आता है आपको तो। ये नहीं नहीं ठीक है, ममता काले क्या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठे कभी? क्या आरएसएस के प्रवक्ता और विचारक के तौर पर नहीं बैठे? आपने आपने ये तब नहीं कहा, आपने रुकिए, ममता काले ममता काले ममता काले प्लीज स्टॉप प्लीज, ममता काले ममता काले ममता काले ममता काले, ये मेरा शो है, ये मेरा शो है और इसमें मुझे डिसाइड करने का पूरा। एक बात बताइए आलोक जी, हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, आप जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने दर्शक को तो बड़े इत्मीनान से कह दिया, और कांग्रेस कांग्रेस के ढिल्लों ने, कांग्रेस के ढिल्लों ने, यूथ कांग्रेस के ढिल्लों ने आपको आईना दिखा दिया कि आप झूठ बोलते हैं। शर्म आई आपको? नहीं आई होगी। आपने कहा कि मैं, उसने कहा कि मैंने अरेंज किया और जलाया, और जलाया भी, और ये भी कहा, शर्म आई आपको? नहीं आई होगी आलोक जी, नहीं आई होगी आलोक जी, क्यों नहीं आई होगी? उस समय नहीं बोले, उस समय आपने क्यों नहीं रोका, उस समय आपने प्रवक्ता को बोलने से क्यों नहीं रोका? ये आप नहीं बताएंगे, ये आप नहीं कहेंगे आलोक जी। मैं आपसे ज्यादा तेज, ज्यादा बढ़िया और ज्यादा धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, सारी तरह से बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ, ये आप तय नहीं करेंगे मेरे शो में, ये आप तय नहीं करेंगे, ये मेरा शो है, ये मेरा शो है, ये मैं तय करूंगा, ये मैं तय करूंगा, आपको आपको बुलाऊंगा, आपको आना है तो आइए, अधिकार है। लेकिन आपके ढिल्लों ने आपको बोला, जो कांग्रेस ने, आपने कहा कि दो कांग्रेस के कहते हैं, दो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे थे, कांग्रेस के दो प्रवक्ता थे, आपने बोला, आपने बोला कुछ? सुनिए, बोला सुनिए, आपने दो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ थे, नहीं पहले आप मेरा सवाल का जवाब देंगे, दो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, प्रतीक जी आप जवाब दीजिए, लोग जी गुस्सा मत करिए, प्रतीक जी मैं अपनी बात पर स्टैंड करता हूँ, मुझे आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है किसी को,
मैं ना जलाने को, मैंने कहा किसी भी तरह के जलाने का समर्थन मैं नहीं करता, ना मेरी पार्टी करती है। अगर किसी ने किया है वो गलत किया है। मैं यहाँ पर बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि किसी ने अगर जलाने का समर्थन किया है तो वो गलत किया है। यूथ कांग्रेस के बोल के गए, क्या बात करते हैं आप? यूथ कांग्रेस के अभी बोले, मैं भाई सुनवा दूं फिर से। मैंने ये कहा, फिर से सुनवाऊं? अभी भी मेरे पास आधिकारिक जानकारी नहीं है कि कौन लोग थे वो। मैं फिर कहूंगा, आपके पास जानकारी नहीं, किसी ने जलाया है चाहे वो दर्शकों का हो, दर्शकों का समय, मैं फोन लाइन पे खोलता हूं, फोन लाइन खोलता हूं। लेकिन प्रतीक जी, आलोक शर्मा जी, आप समय खराब होता है, बीजेपी समय खराब होता है। लोगों को जो शो कराते हैं ना, ये देश के साथ ठीक नहीं है। ठीक है, देश तो आप ही तय कर रहे हैं, देश तो आप ही तय कर रहे हैं सब, और आप ही तय करेंगे। बीएम किसान नेता बीएम सिंह साहब, बीएम सिंह साहब, टाइम मत खराब करिए। ममता काले, होल्ड ऑन, बीएम किसान नेता बीएम सिंह साहब, मैं आ रहा हूँ। के के शर्मा आ रहा है। आई विल गिव यू टाइम। बीएम सिंह साहब बोलेंगे जी। थैंक यू सो मच बीएम सिंह साहब। प्रदीप साहब, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कुछ चीजें, क्योंकि सबने अपने अपने व्यूज बताए। किसानों का व्यू तो बताऊं, वन नेशन वन मार्केट की बात होती है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने आपकी बेड़ियां खोल दी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल मैं कहना चाहता हूं कि बेड़ियां आपने खोली हैं जून में, जुलाई अगस्त में मक्का आया है जो 700 800 900 रुपए का बिका है, 1760 उसकी एमएसपी थी, आपने एक ढेला नहीं खरीदा, उद्योगपतियों ने खरीदा, वो बाहर ले गए। वहीं पर मैं आज की बात करना चाहूंगा आपके साथ। आज सहारनपुर से लेकर यमुनानगर और शामली से करनाल 200 ट्रॉलियां धान की जा रही थी, उनको हरियाणा सरकार ने मना कर दिया कि नहीं अपने अपने प्रांत में जाइए, हम नहीं खरीदेंगे। आज की बात है, आज अखबारों को आप देख लीजिए, मैंने आपके पास भी भेजा हुआ है। दूसरी बात, नहीं प्लीज मुझे एक मिनट दे दें बड़ा, मैं केवल बताना चाहता हूं, मैं बहस में नहीं आना चाहता, मैं बताना चाहता हूं देश को। हम सब प्याज खाते हैं, हम सब सेब खाते हैं, ये प्याज कहां से आता है? 60 साल से ये महाराष्ट्र से आ रहा है। अगर बेड़ियां लगी थी तो दिल्ली कैसे पहुंचा, कहीं और कैसे पहुंचा, इन बातों में नहीं आए। हमें केवल चाहिए एमएसपी आज, और एमएसपी के बारे में एक चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले मैं लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे विशेषज्ञ साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, हम गन्ना किसान हैं देश के 5 करोड़, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं 67 साल से, अग्रीमेंट करते हैं कॉपरेट के साथ, मिल के साथ, सोसाइटी के लोग जो 30-40 हजार मेंबर होते सोसाइटी के, और मिल हमें दबा देता है। वीएम सिंह जैसा आदमी कोर्ट में जाके और लड़के आता है, इस बिल में लिखा है कि आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे आप? आप जाएंगे एसडीएम के पास, एसडीएम बनाएगा कंसिलेशन एक बोर्ड, उस बोर्ड के बाद उसकी अपील होगी एसडीएम के यहाँ, फिर होगी जिला अधिकारी के यहाँ। यही चीज आप जैसे शो में, एक शो में भाजपा के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नाम नया नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि वीएम सिंह जी गलत कह रहे हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हो। मैंने कहा अगर मैं गलत हूं, आपने पास कराया है, अगर मैं गलत हूं आंदोलन पूरा वापस हो जाएगा। ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं है, किसी और, ये किसानों का हमारा आंदोलन है, हमने वापस ले लेंगे। और हमने कहा अगर आप गलत हुए, सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ, तो क्या किसानों के साथ खड़े होंगे? उनने कहा खड़े होंगे। और आप देखिए दोनों बिल में, एक में सेक्शन 15 वन नेशन वन मार्केट में सेक्शन 15 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेक्शन 19, दोनों में है जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट इज बार्ड। ये सब बिल पढ़ने के बाद मैं केवल बताना चाहता हूं आपके श्रोताओं को, हम लोग ऐसे बेवकूफ नहीं है। जब भी कांग्रेस और भाजपा और बाकी सरकारें कोर्ट में हारी हैं, हम किसान कोर्ट में जाके जीत के अपना हक ले चुके हैं, मतलब हमें कौन बरगलाएगा? हम सोचे समझे लोग हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर हम रास्ते में आए हैं, कांग्रेस हमें बरगलाएगी, कोई और बरगलाएगा। और केवल पीएल 480 का आलोक भाई ने कहा था, एक जवाब देना चाहूंगा, 480 पीएल जब आ रही थी, लाल गेहूं आ रही थी 63-64 के अंदर, 65 के अंदर, शास्त्री जी की कॉल के ऊपर किसानों ने इतना मजबूत कर दिया कि आज 138 करोड़ कम खिला रहे हैं। ये किसानों का काम है, कोरोना में भी हमने देश को खिलाया है, हम आगे भी खिलाएंगे, पर आज किसान पीड़ा में है, उसके ऊपर राजनीति मत करिए प्लीज। प्रतीक जी बोल सकता कॉलर है, कॉलर का इंद्रेश जी कॉलर है, ले लेते हैं आपके पास। इंद्रेश जी, सर 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 मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने प्रवक्ता यहाँ भाजपा और अन्य पार्टियों के बैठे हैं, मोदी जी, देखिए मीडिया देश का पहला स्तंभ है और मीडिया को मैं पहला स्तंभ मानता हूँ, तीसरा स्तंभ नहीं मानता। मीडिया ने मोदी जी बनाए, मीडिया मोदी जी को दूसरा मोदी भी बना सकता है, पर क्या देश का काला धन विदेश से लाने की बात थी तो क्या देश में ही काला धन मिलेगा? क्या देश के व्यापारी ही मरेंगे? क्या देश के किसान ही मरेंगे? क्या देश में केवल कांग्रेस बची है? पाकिस्तान में अगर किसी का नारा खुल जाता है तो क्या मीडिया यही दिखाएगा?
देश की अन्य समस्याओं को मीडिया नहीं दिखा सकता? मैं बैठे हुए प्रवक्ताओं से पूछता हूँ कि ये क्या अच्छी बातों पे ध्यान नहीं दे सकते? सिर्फ पाकिस्तान दिखा सकते हैं, चाइना दिखा सकते हैं, कोरोना के बारे में बात खत्म हो गई। थैंक यू सो मच इंद्रेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच इंद्रेश जी, आपने बिल्कुल सही तरह से सही जगह पे ध्यान खींचा और यह सवाल हमारे लिए भी है, यह सवाल हमारे लिए भी है। और हम तो ये कहते हैं कि आईना देखना जरूरी है, अगर दिखाते हैं तो हमको देखना जरूरी है। इसी बात से वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को हम एक बार फिर से जोड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी हैं। आलोक जी, एक बात बीजेपी की तरफ से आई है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि कांग्रेस दोहरी बात कहती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी, ये वायदा किया था कि वो बिल लेके आएगी। मैं जानना चाहता हूं फिर विरोध किस बात पर, जो आपने पॉइंट रखे थे शुरुआत में, तीन पॉइंट वो वैलिड पॉइंट थे और बहुत उस पर बिल्कुल एकदम टू दी पॉइंट थे वो सवाल, और के शर्मा जी के पास आने चाहिए थे। के शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ, एक कॉलर है लखनऊ से, मैं इनका कॉल ले लेता हूँ, देन आई कम टू के शर्मा जी एंड देन आलोक जी। ऑफकोर्स आलोक जी, उसके बाद आपका नंबर, ऑफकोर्स जी। जी सवाल पूछे, लखनऊ से हैं। पूछे सवाल पूछे। हेलो जी। हेलो, मैं वीके गौड़ बोल रहा हूँ जी। सवाल पूछे। कोरोना काल में डेंगू फीवर हो जाने के कारण, कोरोना काल में डेंगू फीवर हो जाने के कारण मेरी बेटी 14-9-20 और 16-9-20 को बीकॉम तृतीय की परीक्षा थी उसकी, उसमें वो अपियर नहीं हो पाई। तो दोबारा मतलब उसको मौका मिलेगा कि चाहे इम्तिहान ले लें उसका, चाहे इम्तिहान ले लें या वैसे पास कर दें। गौर साहब, ये एक पॉलिसी मैटर होगा यूनिवर्सिटी, अगर क्योंकि बीकॉम का बात कर रहे हैं आप और लखनऊ से हैं। सर मैं आ रहा हूँ, आलोक जी आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। और ऐसे समय में जब कोरोना का टाइम है तो तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कंसीडर किया, रिकंसीडर किया है, पॉइंट्स को देखा है। मैं चाहूँगा सहानुभूतिपूर्वक, अगर वो लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है तो सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और कोरोना का समय है, आपने कहा डेंगू फीवर था, निश्चित तौर से उस पर कंसीडर किया जाना चाहिए। एक एक साल की बात है। आलोक जी कुछ हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं इसी पे, कहना चाहते हैं कुछ? आलोक जी कुछ कहना चाह रहे थे? कहना चाहता हूँ आलोक जी, मैं इस पर नहीं कहना चाह रहा था। अच्छा जी, मुद्दे की मैं अच्छा राइट जी, के शर्मा जी जी जी, ऑफकोर्स सर, मैं आ रहा हूँ आलोक जी, आ रहा हूँ। के शर्मा जी, नाउ यू मेक योर पॉइंट। बस मेरा अनुरोध प्रतीक जी इतना है कि मेरे बीच में ना बोले, बहुत देर बाद आप टाइम दे रहे हैं मेरे को। सरकार पे बहुत सारे प्रश्न। मैं पहले बीएन साहब के बातों पर आता हूं और मैं उस बात पर आता हूं, उन्होंने जो बयान दिया कि हमने किसानों को फुटबॉल बना दिया, तो मैं यही तो कह रहा हूं बीएन सिंह साहब, आप तो इतने वरिष्ठ, मैं जानता हूं आपको बहुत वरिष्ठ, आप किसान नेता है, और क्या हुआ इसमें, कैसे आप फुटबॉल बन रहे, समझिए, इसको समझना जरूरी है। बार बार कृषि मंत्री और सरकार अपील कर रही है कि यदि आपको कोई सुझाव है, यदि आपका कोई ऐसा विषय है तो आप आइए, हम आपसे वार्ता करने को तैयार, हम आपसे वार्ता करेंगे। हम आपके आंदोलन को भी गलत नहीं मानते, इस देश का किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता, ये हम मानते हैं बिल्कुल ये। लेकिन आपको कैसे फंसाया जा रहा है, अभी अभी आपके सामने पोल खुली ना, कि ये जो आपका किसान आंदोलन हो रहा है उसमें कांग्रेस ट्रैक्टर जलाकर हिंसा कर रही है। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता मना कर रहे थे कि हमारे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अभी अभी ढिल्लो साहब ने स्वीकारा कि हमारे ही लोग थे जिन्होंने आके इंडिया गेट पे ट्रैक्टर चला दिया, इन्होंने ही आपको जो है 40,000 खर्चा बताया। ये आपकी तुलना जो है आईएसआई से कर रहे हैं, आपके किसानों को बदनाम कर रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, आप क्या कैसे किसान नेता है, मुझे आश्चर्य है आपके शब्दों पर। और मैं अब आपके आपके दो तीन उस पर आता हूँ जो आपने यूज किया। मैं तो चाहूंगा कि आपको कम से कम किसानों की रक्षा करनी चाहिए, उनको हिंसक आपके आंदोलन, ये हिंसक कर देंगे तो आपका आंदोलन ही जो है वो हिंसक हो जाएगा, फिर तो देश उसको कैसे सुने। तो इससे आपको बचने की बहुत सख्त जरूरत है। आप 250 किसान कमेटी के आप नेता हैं, मेरा सुझाव है आपको एक छोटे भाई के नाते, और आप सरकार के साथ बैठे हैं, वार्ता करें, इसमें बार बार कहा है मंत्री जी ने। फिर दूसरी बात आपने कही कि जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 60 साल से आज आपने स्वीकारा कि 60 साल से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं,
हम भी तो ये कह रहे थे कि पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, लेकिन इसका कोई कानून नहीं है। इसका कानून, हम इसको जो है कानून के दायरे में लाना चाह रहे हैं, हम किसान को उससे बचाना चाह रहे हैं, ये हमारा वो है। आपने कहा जून में जो है अभी कौन चालू हुआ, आपने अध्यादेश लाया, अभी तक क्या हुआ? मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, बकायदा रविशंकर जी ने जानकारी दी है, 1,67,00,000 किसान हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए किसानों के लिए, उसमें 1,67,00,000 किसानों ने वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराया, अभी तक 1,00,00,000 रुपए का उसमें व्यापार हुआ है। और मैं उदाहरण में आपको बताना चाहता हूं कि त्रिपुरा का 5 रुपया किलो का पाइन एप्पल 15 रुपया किलो में बॉम्बे में आके बिका हुआ, आप किस तरह से त्रिपुरा के किसानों को लाभ हुआ है। तो आप ये सब चीजें जो है उसको भी देखिए, और आप इनके इस जो गुमराह करने वाले लोग हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके चंगुल से शर्मा जी सुखविंदर है तरन तारन से राइट सर, सुखविंदर है तरन तारन से, एक सवाल पूछना चाहते हैं, तरन तारन पंजाब से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सुखविंदर जी, सुखविंदर जी, सर मेरे दसो कि एक दो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खालिस्तान के नारे लगे थे, उस पर अमित मालविया जो एबीपी के है इंचार्ज है, कोई सोशल मीडिया शायद, उन्होंने ट्वीट किया था कि ये खालिस्तानी लोग हैं सपोर्टर, ये किसानों का प्रदर्शन नहीं है, ये खालिस्तानी सपोर्टरों का प्रदर्शन है जिसको ISI बैकड करता है। अमरिंदर सिंह ने कौन सा गलत बोला, उन्होंने भी वही बोला जो अमित मालविया बोल रहा है बीजेपी का। राइट सर, के शर्मा जी ने सवाल सुना होगा, उसका जवाब देंगे, लेकिन के शर्मा जी के बाद में देंगे। नहीं, आलोक जी का टाइम है, आलोक जी आपका सर, मुझे लगता है कि हमेशा से बीजेपी ने इन चीजों को ट्विस्ट किया है। हमारी NCERT की किताब ये लिखती है कि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो आतंकवाद बढ़ेगा, NCERT की किताबों को जला देना चाहिए, फिर ये सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज प्रतीक भाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने शो के शुरू में कहा जांच चल रही है, कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम है, आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा, मैं उसकी आज भी कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और मैं स्वयं किसी भी तरह की हिंसा की हम किसी तरह से भी पैरवी नहीं करते हैं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। झूठ ये होता है जो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। 3-4 चीजें यहां पर आई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कॉपरेटिव फार्मिंग में फर्क है, बीएम सिंह साहब बेहतर समझते होंगे। कॉपरेटिव फार्मिंग हमेशा से चलती आई है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरह का सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकता, यही ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और अकाली दल इसी वजह से छोड़कर भागा है। आप ये केवल ये बताइए कि लैंड रिफॉर्म्स बिल आया था, जब लैंड एक्विजिशन बिल, तब कहा था बस किसान जो है मालामाल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 14,000 केस दर्ज हुए, नोटबंदी आई तो कहा काला धन सारा वापस आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, उसके 15 दिन में 153 बार इन्होंने बदलाव किए। अभी के शर्मा जी ने कहा सिंह साहब से कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, अरे भाई बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी हो गई, अब आप वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आज भी गन्ना जो मिल है उनका जो किसानों को बकाया है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25,000 करोड़ से ज्यादा का है। जहां तक मैनिफेस्टो की बात आपने प्रतीक भाई की, राइट आलोक जी, आलोक जी लुधियाना से अनिल जी हैं, कॉल करना चाहते हैं, अनिल जी हैं लुधियाना से, अपनी बात कहना चाहते हैं। जी अनिल जी बात कहिए, लुधियाना से हैं जी, बोलिए अनिल जी, बोलिए जी। मेरा सवाल बीजेपी पर, बोलिए अनिल जी जी। हेलो हेलो जी 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 राइट साहब, बोलिए बोलिए। पूछना चाहता हूँ सर, इन्होंने इतने बिल तो पास कर ही दिए बिना विपक्ष की मतलब मंजूरी, ना उनसे सलाह किया ना अपने संगठित दलों से, तो सर इतने बिल तो पास कर ही दिए, एक बिल और पास कर दे कि एक राष्ट्र एक MSP होना चाहिए। और एक बात और, ये जो किसानों को इतना मूर्ख समझते हैं कि ये कांग्रेस की बातों में आ गए, इसकी बातों में आ गए, कांग्रेस किसान इतने मूर्ख नहीं है, उनको सब समझ आता है। कोई समझ भी नहीं सकता किसानों को इस देश के, नहीं सर इस देश के किसान को कोई मूर्ख समझ भी नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो दशक था 90 का और 2000 का, जब ये कहा गया कि आलू पैदा किया जाएगा और ये आलू बड़ा क्रिस्प है और इससे जो आलू से जो चिप्स बनेगा उससे किसान की सेहत बड़ी सुधरेगी, मैं आज ये भी सवाल रखना चाहता हूं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट किसानी की बात करी ना, और आपने कोऑपरेटिव किसानी की बात करी, ये वही समय था सर
जब ये बात हो रही थी, और डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ये बात आज तक साफ नहीं हुई कि किसान हाशिए पर फिर क्यों रह गया, और ये बात तब के थे, बड़े बड़े वादे थे, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, आर पार की तैयारी, कल फिर होगी मुलाकात।